समीरा हसन, बिग बॉस 11 की सारी चटपटी खबरों, गॉसिप और बहुत ही मजेदार सी न्यूज के साथ। आज मैं जिस एपिसोड का रिव्यू कर रही हूँ वह एपिसोड है 72 और बिग बॉस का डे है 71। कल था ब्लॉकबस्टर इतवार यानी वीकेंड का वार, और हमने देखा कि कल जो थे दो लोग नॉमिनेशन में थे, एक आकाश और एक शिल्पा, और उन दोनों में से कोई भी इवेक्ट नहीं हुआ। खैर, वो तो हम सबको पता था कि किसी को भी इवेक्ट नहीं होना, क्योंकि इस हफ्ते वोटिंग लाइन जो थी वो क्लोज थी। लेकिन सबको यही उम्मीद थी कि आकाश या शिल्पा में से कोई ना कोई सीक्रेट रूम में जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और कोई सीक्रेट रूम में नहीं गया। भाई, जब सीक्रेट रूम में भी किसी को नहीं जाना था, इविक भी नहीं होना था, तो ये सारी ड्रामेबाजी की क्या जरूरत थी कि नॉमिनेट किया गया और वोटिंग लाइन क्लोज की गई और ये किया गया वो किया गया। तो मुझे लग रहा है कि उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आकाश और शिल्पा दोनों इतने स्ट्रांग कैंडिडेट हैं कि उन दोनों को बिग बॉस जो है इस वक्त घर से नहीं निकालना चाह रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि इन दोनों में से कोई भी चला जाएगा तो घर में मज़ा नहीं आएगा। और जहां तक सीक्रेट रूम की बात है, तो इस दफ़ा तो सब लोग खुल खुल के एक दूसरे के मुँह पर इतनी बुराइयाँ कर रहे हैं कि सीक्रेट रूम में भेजने का मकसद ही फौत हो जाता है। क्योंकि सीक्रेट रूम में तो बंदे को उस वक्त भेजा जाता है, लोग उसके मुंह पे उसकी तारीफ कर रहे हैं और पीठ पीछे बुराई। यहाँ तो इस सीजन में हर एक दूसरे की बुराइयाँ जो है वो मुंह पे ही कर रहा है, इसलिए इस दफा कोई भी इवेक्ट नहीं हुआ और आकाश और शिल्पा मौजूद हैं। लेकिन इस वीकेंड को बहुत कुछ हुआ। एक तो सलमान खान ने खुल के शो कर दिया जी कि वो शिल्पा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर करते हैं, और ये भी शो कर दिया कि वो अर्शी से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं और उसको बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। और इस दफ़ा दो बहुत मज़े की चीज़ें हुई हैं। एक मज़े की चीज़ तो ये हुई कि जो हितेन है उन्होंने सेव किया था शिल्पा को और शो किया था कि मैंने अर्शी को सेव किया, और ये बात जो है कॉलर ने बता दी थी, जिसके बाद से अर्शी का मूड जो है वो सख्त ऑफ है। तो आज की एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से हुई कि पूरा घर जो है वो यही बात कर रहा है कि जो है हितेन ने जो है शिल्पा को सेव किया था और अर्शी का नाम लिया था। तो वहाँ पे जो है विकास, हितेन और पुनीश बैठे होते हैं, और विकास जो है हितेन को समझाते हैं कि तुम्हें चाहिए था कि तुम अर्शी का नाम लेते, क्योंकि अर्शी ने तुम्हें हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है। और हितेन भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए था। तो यहाँ तो ये बात क्लियर हो गई। उधर जो है अर्शी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उससे प्रियांक को पूछता है हितेन के बारे में, तो कहती है कौन हितेन, मेरे लिए अब शिल्पा और हितेन दोनों ख़त्म हो गए। और शिल्पा और पुनीश जो है वो भी यही बात कर रहे होते हैं और हितेन की बुराई कर रहे होते हैं कि हितेन जो है वो डबल गेम खेल रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि जब सलमान खान ने कल पूछा था कि बोर्ड पे उन 3 सदस्यों की आप लोग फोटो लगाइए जो आपके ख्याल में इस घर में रहने के लिए हकदार नहीं है, तो हिना और प्रियांक दोनों ने लव की फोटो लगाई थी और हम सबको बहुत बुरा लगा था। तो लाजमी है, जब हमें बुरा लगा होगा तो लव को कितना बुरा लगा होगा, क्योंकि आपको अपने दोस्त के बारे में ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अव्वल तो लव अब इतना कमज़ोर रहा नहीं, उससे ज़्यादा तो मुझे पुनीश कमज़ोर लग रहा है, लेकिन अगर है भी तो आपको ये कोई हक नहीं है कि आप अपने दोस्त की फोटो इस तरह सबके सामने लगाएं। जबकि हिना को सिर्फ इनसिक्योर कह दिया था प्रियांक ने, तो उन्होंने उसका कितना बड़ा फलीता बनाया था, और उन्होंने पिछली दफ़ा भी यही कहा था कि जी लव को निकलना चाहिए इस घर से, और इस दफ़ा तो हिना और प्रियांक दोनों ने ही लव की फ़ोटो लगा दी। और जबकि हिना और प्रियांक दोनों ही कोई बहुत सच्चे सती सावित्री वाले लोग नहीं हैं, तो फिर यहाँ पे तो आपको अपने दोस्त की फोटो नहीं लगानी चाहिए थी। और इसी बात पे लव उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, और हिना और प्रियांक उनको मनाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो साफ कहता है कि मैं आप लोगों से नहीं मानूंगा। और यहाँ पे लव की एक स्वीट सी हम लोगों को जस्टर नजर आया कि वो कैमरे में जाके कहता है कि मैं वाकई थोड़ा बहुत तो नाराज़ हूँ, लेकिन मैं अपनी नाराज़गी ज़्यादा शो कर रहा हूँ, लेकिन मैं मान जाऊँगा, मैं अपने दोस्तों के पास वापस चला जाऊँगा। और एक और स्वीट सा जस्टर ये करता है कि जब हिना लेटी हुई होती हैं तो वो एक टिश्यू पेपर में नेल पॉलिश या लिपस्टिक से गेट वेल सून हिना लव लिख के उसके पास छोड़ के आ जाता है। उसके बाद हिना और प्रियांक जो है लव को दोबारा मनाने की कोशिश करते हैं, अपनी गलती मानते हैं, लेकिन लव नहीं मानता। फिर उसके बाद हिना रोने लगती हैं तो लव मान जाता है, और उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद हिना और प्रियांक जो होते हैं लव के पीछे पड़ जाते हैं कि तुमने सारा दिन बाकी लोगों से क्या बात की। तो उस बात पे जो है होते होते लव और प्रियांक की ठीक ठाक लड़ाई शुरू हो जाती है, और यहाँ पे प्रियांक बहुत गलत नजर आया, क्योंकि वो जो होते हैं वो डायरेक्ट शुरू कर देते हैं कि अंकल यानी लव के अब्बू के ऊपर कह रहे होते हैं कि आप देखिए आपका बेटा ये कर रहा है, आपका बेटा वो कर रहा है। तो खैर, काफ़ी दोनों की मुँहमारी हो जाती है, लेकिन शुक्र है कि आखिर में मामला पैचअप हो जाता है। और फिर आता है नॉमिनेशन का नंबर, और इस दफ़ा नॉमिनेशन बहुत मज़े से होती है कि जो गार्डन एरिया है उसमें 2 टीमें बना दी जाएंगी। एक दरख्त होगा जिसके ऊपर 8 एप्पल लगाए जाएंगे, 4 जो होंगे वो ब्लू टीम के होंगे और 4 जो होंगे रेड टीम के होंगे। और रेड टीम में कौन है? शिल्पा, हितेन, लव और प्रियांक। और ब्लू टीम में कौन है? विकास, आकाश, पुनीश और हिना। और सबसे मज़े की बात यह है कि नॉमिनेशन का जो है सारा इख्तियार जो है अर्शी को मिल गया है, और बिग बॉस ने कहा है कि 5 दफ़ा गोंग बजाया जाएगा, हर दफ़ा गोंग के उनको हर दफ़ा एक एक एप्पल तोड़ के जो है वो स्विमिंग पूल में बहा देना होगा, और आखिर में जिस पेड़ पे ज़्यादा एप्पल होंगे वो पूरी टीम जो है सुरक्षित हो जाएगी, और जिस टीम के एप्पल कम होंगे वो पूरी की पूरी टीम नॉमिनेट हो जाएगी। तो अर्शी के तो मज़े आ गए। तो खैर, यही होता है कि दोनों टीमें कोशिश करती हैं कि अर्शी उनकी बात मान ले, लेकिन ऑब्वियसली हर एक को पता होता है
कि अर्शी जो है वो रेड टीम को नॉमिनेट करे, क्योंकि उसमें है शिल्पा और हितेन, जिन दोनों से अर्शी चिड़ी हुई है, और लव और प्रियांक से भी उसकी बस नॉर्मल सी दोस्ती है। जबकि दूसरी तरफ विकास और आकाश जो है उसके बेस्ट फ्रेंड है, पुनीश से भी उसकी थोड़ी बहुत अच्छी बातचीत है और हिना से भी, तो इसलिए जो है सब लोग मुतमईन होते हैं और थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। लेकिन विकास जो होता है वो अर्शी को बोलता है कि तुम पहले आकाश का कर दो, पानी में फेंक दो, और वो आकाश का पानी में फेंक देती है, और उसके बाद वो कहता है कि तुम अब रेड के फेंकना, लेकिन अर्शी यहाँ पे मजा करती है और वो दूसरे नंबर पे हिना का फेंक देती है, और वहाँ पे विकास थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं कि कहीं जो है अर्शी जो है सारा की सारी हमारी टीम को ना नॉमिनेट कर दे, लेकिन अर्शी तो अर्शी है। खैर फिर उसके बाद वो जो होती हैं वो शिल्पा, लव और प्रियांक का फेंक देती हैं, और इस तरह शिल्पा, लव, प्रियांक और हितेन जो है नॉमिनेट हो जाते हैं, और विकास, हिना, पुनीश और आकाश जो है सुरक्षित हो जाते हैं, और आकाश और पुनीश को बहुत मज़ा आता है, जबकि लव और प्रियांक के चेहरे जो हैं वो उतर जाते हैं। तो ये तो था आज का नॉमिनेशन, जिसमें अब चार लोग नॉमिनेट हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो है शिल्पा जो है वो तो मुझे पता है 100% सुरक्षित है, लेकिन लव, प्रियांक और हितेन जो हैं वो तीनों जो है नॉमिनेशन में आ गए हैं, और मुझे लगता है कि इन तीनों में से कोई भी जा सकता है, इवन हितेन भी जा सकते हैं। लव और प्रियांक का तो बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन हितेन के जाने का भी चांस है। तो अब देखना होगा कि अगले हफ्ते कौन इनमें से इविक्ट होता है और कौन बचता है। और एक और बड़ा मसला हुआ, सबसे बड़ा जो है वो आज शिल्पा ने जो है वो आकाश पे इल्ज़ाम लगाया कि आकाश जो मुझे गाल पे वो किस करते हैं और मुझे टच करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और यहाँ पे वो ये बात लव से, हितेन से और पुनीश से कहती है, और उस बात हितेन बड़ी अच्छी बात करता है कि आपको खुद उससे कहना चाहिए, तो कहती है मैं उसको कहती हूँ तो वो मानता नहीं है, और उस पर जो है फिर लव जाता है और आकाश से बात करता है, और आकाश इस बात को समझ जाता है, और ये बात बाकी घर वालों तक भी पहुँचती है, और इस पर अर्शी कहती है कि 10 हफ्ते तक तो वो मना नहीं कर रही थी, 11वें हफ्ते उन्हें क्या हुआ है। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि यहाँ पे शिल्पा जो है सरासर गलत है, मतलब आकाश जब टच करता था अव्वल तो आपको शुरू में ही उसको मना कर देना चाहिए था, लेकिन बाकी जो अब अगर आप उसको मना कर रही हैं तो आपको खुद चाहिए था, जैसा कि हितेन ने कहा, आप उसको आराम से बैठती और उसको बोलती कि भाई इस तरह तुम करते हो और मुझे अब अच्छा नहीं लगता, आप अगर जिस वक्त वो आपको किस कराओगे ना करो ना करो ना करो वो एक अलग बात हो जाती है, आप अगर एक आदमी को सुकून से बैठ के एक बात बताएं तो वो अच्छी तरह समझ जाएगा। आकाश जो है थोड़ा सा उसका बच्चों वाला दिमाग है, और जब उसकी मम्मी आई थी तब हमने देखा था कि वो अपनी मम्मी को भी किस कर रहा था, उनके सामने भी उसने शिल्पा को किस किया था, उनके सामने उसने हितेन को भी किस किया था, तो ये बात है कि आकाश के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आकाश सॉफ्ट टारगेट है, तो बिनक्षा ने भी उस पर इल्ज़ाम लगाना चाहे थे, हालांकि बिनक्षा जो थी वो खुद उसके साथ बहुत ज़्यादा जो थी क्लोज होती थी, और इसी तरह अब शिल्पा ने भी यही किया है कि शिल्पा जो है एक और सिंपैथी कार्ड खेल रही है, वैसे भी उनको सिंपैथी कार्ड खेलने का तो बहुत शौक है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि शिल्पा जब भाभी घर पर है वाले सीरियल से निकली थी, जब उन्होंने वो सीरियल क्विट किया था, तो उस वक्त भी उन्होंने जो है प्रोड्यूसर के हस्बैंड पे यही इल्ज़ाम लगाया था कि वो मुझे सेक्सुअली हरास करता है, और जब तक वो ये सीरियल करती रही 1 साल तक, जब तक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, और जब 1 साल के बाद उन्होंने ये सीरियल छोड़ दिया था, उस वक्त उन्होंने यही कार्ड खेला था कि जी जो प्रोड्यूसर हैं लेडी प्रोड्यूसर, उनके हस्बैंड जो है वो मुझे सेक्सुअली हरेस करते हैं, और अब वो यही वाला कार्ड आकाश के साथ भी खेल रही है, और ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि इस तरह आकाश का इमेज खराब हो रहा है। अगर शिल्पा को ये चीज़ बुरी लग रही है तो भाई वो साफ साफ आकाश को बिठाल के आराम से भी समझा सकती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह एक घर में हजारों कैमरों के सामने आकाश कोई ज़बरदस्ती करेगा, वो तो एक बिल्कुल बच्चों की तरह माँ की तरह करता है, लेकिन आप उसको आराम से प्यार से समझा सकती हैं। लेकिन खैर शिल्पा तो शिल्पा है, आकाश ये बात समझ तो जाता है, लेकिन आकाश को सबसे बड़ा डर ये होता है कि वीकेंड पे जो है ये इशू बनेगा और सलमान खान से मुझे डांट पड़ेगी, और वो बच्चा ही तो है, वो जाता है और फिर शिल्पा से ये सारी बात क्लियर करता है, और फिर पुनीश और अर्शी से भी यही बात कह रहा होता है कि, और फिर ये भी बड़ा बच्चों की तरह कहता है कि अगर ये इशू उठा तो मैं सलमान खान से कह दूंगा कि मैं तो उसको माँ समझता था और अर्शी मेरी गर्लफ्रेंड है, और ये कहकर सबके सामने फिर अर्शी को किस कर लेता है। तो आई एम 100% श्योर कि आकाश के दिल में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं। तो ये तो थी आज की एपिसोड, जो बहुत ही मज़ेदार थी, और अब कल के जो प्रोमो हैं वो तो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, क्योंकि कल जो बिग बॉस ने टास्क दिया है उसमें सारे घर वालों को रोबोट बनना है, और जिस वक्त रोबोट बने हुए होंगे उसमें दूसरे घर वाले जो होंगे या मुखालिफ टीम जो होगी वो उनको कुछ इतनी बातें सुनाएगी कि वो किसी तरह अपने इमोशंस शो कर दें। और इसमें हमने देखा कि हिना, प्रियांक और आकाश जो हैं वो रोबोट बने हुए हैं, और विकास उनके साथ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि किसी तरह वो अपने इमोशंस बाहर ले आएँ। तो अब ये एपिसोड तो लाजमी देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ बहुत बहुत बातें की जाएंगी, क्योंकि अपनी बातों से दूसरी टीम को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा कि किसी तरह वो ये गेम छोड़ दें और हार जाएं। तो देखते रहिए बिग बॉस और देखते रहिए मेरी वीडियोस, और मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन है वो दबाइए, और उसके बराबर में जो बेल आइकॉन है वो भी दबाइए, ताकि समीर हसन एंटरटेनमेंट की हर वीडियो आप तक पहुँचे, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।